नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हानिया वायस 786 के YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस धरती पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता। इसमें जन्म देने वाला हर इंसान एक न एक दिन इस सृष्टि को छोड़कर जाता ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद आखिर आत्मा का क्या होता है, या मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है, और वह कितने दिनों तक अपने घर में ही रहती हैं? अगर नहीं जानते तो बता दें कि इन सभी सवालों का जवाब महाग्रंथ गरुड़ पुराण में विस्तार पूर्वक देखने को मिलता है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने वाले हैं, तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आइए सब मिलकर जानते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब यमराज के दूत आकर आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और फिर वहां उसके पाप और पुण्य का हिसाब विस्तार पूर्वक किया जाता है। उसके बाद 24 घंटे के अंदर यमदूत उस आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। हिंदुओं के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद आत्मा अपने परिजनों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने परिजनों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आवाज को कोई भी परिजन सुन नहीं पाता। ये सब देख कर मृतक की आत्मा बेचैन हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। उनसे बात करने की नाकाम कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसके आवाज को वहाँ पर मौजूद कोई भी इंसान सुन नहीं पाता। इसके बाद मरने वाले की आत्मा अपने शरीर में दोबारा प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन हिंदुओं के हाथों बंधे होने के कारण वह उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजन उसकी याद में रोते बिलखते हैं, तो ये देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है और वह भी उनके साथ मिलकर रोने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके हताश हो जाती है। गरुड़ पुराण की माने तो जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके परिजनों के बीच छोड़कर जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा में इतना बस नहीं रहता कि वह यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी भी मनुष्य की मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उसी से मृतक की आत्मा के विभिन्न अंगों की रचना होती है, और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक की आत्मा के शरीर और त्वचा का निर्माण होता है, और जब 13 दिन तेरावी की जाती है तो उसे पिंडदान से ही मृतक को पूरी शक्ति मिलती है और उसी के चलते वह आत्मा यमलोक की यात्रा तय कर पाती है। कहने का अर्थ है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक जो आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है उसी से ही आत्मा को धरती लोक से यमलोक तक जाने के लिए शक्ति मिलता है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति की आत्मा 13 दिनों तक अपने परिजनों के बीच ही मौजूद रहती है और भटकती रहती है। इसके बाद मरने वाले की आत्मा धरती लोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे तय करने के लिए 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। मान्यता है कि 13 दिनों तक जो पिंडदान किए जाते हैं 1 साल के लिए भोजन के समान होता है। मित्रों, अब आप यह जरूर सोच रहे होंगे, अगर किसी मृत आत्मा के लिए पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मित्रों, बता दें, इसका भी उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता, उसे 13वीं के दिन यमदूत जोर जबरदस्ती करके घसीटते हुए यमलोक लेकर जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यमलोक की यात्रा के दौरान काफी ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में हर मरने वाले की आत्मा के लिए 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना जरूरी बताया गया है। इन सब के अलावा गरुड़ पुराण में ये भी उल्लेख है कि 13वीं के दिन मृतक के परिजनों द्वारा किए जाने वाला भोज अगर कर लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिल पाती। मृत आत्मा को इन बातों का बड़ा ही दुख होता है और वह मन ही सोचता है कि काश मुझे अकेले ही यह कष्ट होगा। इसके अलावा गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो मृतक के परिजनों को कर लेकर भोज करने को मजबूर करता है ऐसे इंसान को मृत्यु के देवता यमराज कभी भी माफ नहीं करते और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की सजा देते हैं और फिर उसे वापस मृत्युलोक में भेज देते हैं। मित्रों, इसके साथ गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति जीते जी पुण्य कर्म करते हैं
उन्हें यमदूत 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को मृत्यु लोक से यमलोक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कोई भी कष्ट नहीं होता। वहीं इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन काल में केवल बुरे कर्म करता है उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की यातनाएं देते हुए ले जाते हैं जिससे पापी आत्मा थर थर कांपने लगता है और बार बार यमदूत से क्षमा मांगता रहता है, लेकिन यमदूत पापी की आत्मा को माफ नहीं करते। उसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक के दरबार पर पहुंचते हैं तब यमराज उसे स्वयं स्वर्ग लोक भेज देते हैं और वही पापी आत्मा का लेखा जोखा देखने के बाद उसे उसके द्वारा किए गए पापों का सजा भोगने के लिए नरक लोक भेज देते हैं और सजा पूरा होने के बाद वह पापी की आत्मा को किसी भी योनि में भेज देते हैं। योनि 84 लाख योनियों में से कोई भी हो सकता है। तो मित्रों, आज आपने जाना कि आखिर आत्मा अपने घर कितने समय बाद और क्यों वापस लौटती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।